हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डाबर का Q3 रिजल्ट के बारे में। तो क्या रहा Q3 रिजल्ट डाबर इंडिया का, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो डाबर इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला है January 31, 2024 को, यानी कि आज। और इस नोटिफिकेशन में Q3 का रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट किया गया अप टू December 31, 2023 तक का, ठीक है। तो चलिए अभी डिटेल में जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा डाबर इंडिया लिमिटेड का Q3 रिजल्ट अप टू 31 December 2023 तक का है, और जो भी है ये इन क्रोर्स में कैलकुलेशन हुआ है, और क्वार्टर एंडेड, प्रेसिडिंग क्वार्टर एंडेड, कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर एंडेड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो टोटल इनकम 3,382.43 करोड़ है करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 3,320.25 करोड़, और उससे पहले क्वार्टर में 3,144.01 करोड़, ठीक है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग को जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक्सपेंसेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, दैट इज 2,720 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 2,669 करोड़, और उससे पहले क्वार्टर में 2,523 करोड़, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप लोग देख सकते हो करंट क्वार्टर में 506 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 507.04 करोड़, जो कि फ्लैट है ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो प्रॉफिट, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे जंप आप लोग को देखने को मिल रहा है 476.65 करोड़, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2.90 करंट क्वार्टर में है, और 2.91 पिछले क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में था, और उससे पहले क्वार्टर में 2.69 था, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। तो ये था डाबर इंडिया का Q3 रिजल्ट। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।